हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रेशमेश होम्योपैथी। आज मैं अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। इस दवा का नाम है सिफ्लिनम। सिफ्लिनम जो दवा होती है एक नोसोड कैटेगरी की आती है। इसके पहले मैंने मेडोरिनम के ऊपर वीडियो बनाई थी और सिफ्लिनम एक एंटी सिफ्लिटिक रेमेडी है। सिफिलिस का मतलब हुआ जब हमारी स्किन पे हमारी बॉडी के अंदर अल्सर्स या घाव होने लग जाए उसको हम सिफिलिस बोलते हैं। जो मेडोरिनम है वो साइकोटिक है, मतलब स्किन के ऊपर चीज़ें बढ़ने लग जाएं, ऊपरी परत आने लग जाए उसको हम साइकोटिक बोलते हैं। तो अगेन ये एक नोसोड है, यानी हमारे शरीर के ही डिस्चार्जेस से डिजीज जो पार्ट्स होते हैं उससे ये दवा बनाई जाती है। जो सिफिलिटिक वेसिकल्स होते हैं उनको पोटेंटाइज करके डॉक्टर हेरिंग ने इस दवा को बनाया था। इसके पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सिफ्लिनम जो दवा है इसका पहला प्रयोग मैंने किया था जब मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में थी। हमारी जो आंटी थी, लैंडलॉर्ड आंटी थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई दवा है, अपने हस्बैंड के लिए पूछा उन्होंने। और मेन जो तकलीफ थी उनको कि वो अल्कोहल बहुत पीते थे, अपनी जो ड्यूटीज़ थी वो नहीं करते थे, और उनकी एक शॉप थी वहाँ पर सिर्फ बैठे रहते थे और घर आते थे। उनका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था और उनके स्वभाव से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये हमेशा शराब पी के बैठा रहता है और कुछ करता वरता नहीं है, इस टाइप का उन्होंने मुझे बताया। तो जो एक दवा मैंने रिपर्टराइज किया पूरी बुक के साथ, क्योंकि हम थर्ड ईयर में थे, लर्न कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक लेंथी केस मैंने बनाया उसको पूरी डिटेल लेकर के। शुरू से ही मेरी आदत रही है कि मैं पूरा डिटेल में बात करती हूँ, तो मैंने पूरा डिटेल लेकर के जो दवा निकली वो सिफिलिनम थी। अब सिफिलिनम देने से पहले मेरे मन में डाउट था कि मैं ये तो नोसोड होता है, उसको हम इतनी इजीली दे नहीं सकते हैं, उसके रिपीटेशन पे बहुत ध्यान देना होता है, तो क्या मैं इस दवा को दे सकती हूँ, क्योंकि वो हमारी आंटी थी, कुछ गलत हो गया तो वो मतलब बहुत बड़ी बात हो सकती थी। और जब आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता तो आपको कोई चीज़ करने में भी डर लगता है। लेकिन मैंने उनको सिफिलिनम दवा दी 1 mg पावर में, और 1 महीने के बाद सिर्फ एक डोज दी उनको, और 1 महीने के बाद आंटी ने मुझे बताया कि काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। लेकिन वो चाहती थी कि उस दवा को मैं और रिपीट करूं, लेकिन मिराकुलस रिजल्ट मुझे सिफिलिनम से मिला। और बाद में जो उनके इंसुलिन उनको लगता था, उनके डायबिटिक थे, हाई, बहुत ज़्यादा उनके लेवल्स बढ़ चुके थे डायबिटीज़ के, ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी हाई थे, 200 से ऊपर ही रहते थे ज़्यादातर, तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते थे, वो सारे धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो गए। तो सिफ्लिनम एक ऐसी दवा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है जब आप उसको पूरी तरह से सिम्टम्स लेकर के मैच करके इस दवा को सिलेक्ट करते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिफ्लिनम के बारे में। तो ये जो दवा होती है ये काम करती है आपकी स्किन पे, आपके बोन्स पे, आपकी टीथ पर और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आपके शरीर में कहीं पे भी अल्सर्स हैं, घाव हैं जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर भी ये दवा काम आएगी। इसके अलावा आप इस दवा को ले सकते हैं अगर आपने बहुत सही तरीके से अपना केस निकाला, सब कुछ मैच किया, लेकिन राइट सिलेक्टेड रेमेडी वहाँ पर फेल हो गई। 3 तरह की रेमेडीज होती हैं, एंटी सिफिलिटिक, एंटी साइकोटिक, एंटी सोरिक होती हैं। ये किंग ऑफ एंटी सिफिलिटिक है, मतलब अगर शरीर में कहीं आपके घाव हो रहे हैं, अल्सर हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं, वहाँ पे कोई दवा काम नहीं आ रही है, तो आप उसकी दवा सिफिलिनम को ले सकते हैं। सिफिलिनम का सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन ये होता है, या किसी भी सिफिलिटिक दवा का सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन यही होता है कि जितने भी दर्द होते हैं वो रात में होते हैं। अगर आपको दिन भर कोई तकलीफ नहीं होती लेकिन रात में लेटने के बाद आपके पैर हाथ में ऐसा दर्द होता है कि रात निकलना मुश्किल हो जाता है, सुबह उठने के बाद आप फिर से बेटर फील करते हैं, तो उस कंडीशन में एंटीसिफिलिटिक कोई भी दवा आ सकती है और जिसमें सिफ्लिनम नंबर एक पोजीशन पर आएगी। इसी तरह से अगर आपको दर्द सुबह से लेकर शाम तक बने रहते हो, रात में थोड़ा सा बेटर फील करते हो, वहाँ पर नैट्रीम्यूर आती है। नैट्रीम्यूर की सारी एग्रेवेशन सन से होती है, जब तक सन रहता है तब तक उसको बहुत परेशानी रहती है, शाम से लेकर रात तक में और सुबह तक वो ठीक रहता है, अगेन सन निकलने के बाद वो परेशान हो जाता है। तो नैट्रीम्यूर एक एंटी सोरिक रेमेडी है और ये एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है। तो मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इसका ये हो गया कि इसमें सारे दर्द जो है वो रात में बने रहते हैं। अगला जो इंडिकेशन होता है, इसमें जो पेन्स होते हैं वो आपके बोन्स पे होते हैं, लॉन्ग बोन्स जो भी होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। चाहे आपकी जो काफ मसल में पेन होता है, आपके नी से लेकर नीचे तक का पूरा पार्ट जो होता है वो दर्द से परेशान रहता है। इसके अलावा मसल्स में भी पेन होता है, जो डेल्टॉइड का ये पोर्शन होता है यहाँ पर उसको पेन रहता है। तो जितने भी दर्द होते हैं, चाहे मसल के दर्द हों, चाहे बोन्स के पेन हों, ये सारे रात में ही होते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है लुकोरिया का। इसको लुकोरिया में भी दिया जाता है जिसके अंदर जो डिस्चार्ज होता है, यानी वाटरी डिस्चार्ज होता है, इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बह जाएगा। सो मच इज़ द क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड।
अगर ऐसा इंडिकेशन मिलता है फीमेल्स के अंदर लुकोरिया के केस में, तो सिफिलेरम को सोचा जा सकता है। इसकी जो और दवाइयां हैं जो हम लुकोरिया में देते हैं, वो मर्कसोल है, बोरेक्स है, क्रियोजोट है, ये सारी दवाइयां दी जाती है। लेकिन अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तब आप सिफिलेरम दे सकते हैं। दांतों की एक समस्या में भी सिफिलेरम का बहुत अच्छा प्रयोग रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि हर जगह डिके जो जो भी चीज़ें डिके हो रही वहाँ पर दवा काम आएगी, तो ये डिके में दिया जाता है। अगर दांत खराब हो रहे हों, दांत ऊपर ऊपर से बिल्कुल हट गए हों, जो दांत का क्राउन होता है, जो दिखने वाला पोर्शन होता है, वो बिल्कुल हट चुका है और बिल्कुल कटे कटे से पार्ट बचे हुए हैं, बाकी सब कुछ दांत पूरा हट गया है, वहाँ पर भी सिफिलेरम दिया जाता है। सडन गलन वाली हर समस्या में सिफिलेरम का काम आता है। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इसका होता है कब्ज़ में। इसका कब्ज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग वाला कब्ज़ अगर होता है, बहुत लंबे समय से आप लग्जेटिव लेते रहे हों, इवन अब ये कंडीशन आ चुकी है कि अब लग्जेटिव भी काम नहीं आता है, अब आप एनीमा पे आ चुके हैं, तब आप इस दवा को ले सकते हैं। इसके अंदर जो पर्सन है वो बताता है कि ऐसा लगता है कि जो मेरा जो आते हैं, जैसे लगता है किसी ने उसको बांध दिया हो, और जब एनीमा देकर के उनको जो स्टूल पास होता है तो दर्द ऐसा होता है कि जैसे लगता है लेबर लाइक पेन। हमारी बुक्स में लिटरली ऐसा लिखा गया है कि पर्सन एक्सप्लेन्स दिस पेन एज द लेबर पेन। उसको बहुत एक्सट्रीम में पेन होता है क्योंकि अभी उसको एनीमा दिया गया है, उसके कारण उसको स्टूल पास हुए हैं और बहुत लंबे समय से उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रही है, लेग्जेटिव्स काम नहीं आते हैं। तो इन सारी कंडीशन में अगर इस तरह का कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्पेशली इन ओल्ड एज पीपल, ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से अल्कोहल लेते रहे हैं, बीइंग इन अ प्रोफेशन या वैसे ही आपकी आदत लग गई है इसको लेने की, तभी भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है अल्कोहल के असर को हटाने के लिए। अगर कोई भी पेशेंट है, बहुत सारे सिम्टम्स बताता है और साथ में ऐड करता है कि मैं बहुत 20-30 साल से अल्कोहल लेता हूं, उसके साथ सिफिलेरम बिल्कुल सोचा जा सकता है, बहुत अच्छा असर दिखाता है। अब हम बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स की। सिफिलेरम के जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं, इसमें फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है, अपनी ड्यूटीज पेशेंट को नहीं पता होता है उसे क्या करना है, वो ऐसा बिहेव करता है, उसे कुछ चीज़ें भूल भी जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का उतना पता नहीं होता है। और साथ के साथ एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होता है इसका OCD के केस में, मतलब ऑब्सेशन उसके बहुत ज़्यादा होती है, कंपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को हमेशा डर लगा रहता है बीमारियां का और वो हमेशा अपने हाथ को धोता रहता है। कई बार पेशेंट इतना ज़्यादा अपने हाथ को धोता है कि हाथ छिल जैसा महसूस करता है कि हाथ छिल जाएगा। अगर ये समस्या देखने को मिलती है तो OCD की नंबर एक दवा है सिफिलेरम। OCD की और भी दवाइयां हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम को हम देते हैं जब पेशेंट को जर्म्स का इन्फेक्शन होने का चांस हो कि कंटेमिनेशन हो जाएगा, मैं गंदा खाना खा लूँगा, गंदा पानी पी लूँगा, उसमें हाथ को धोने जैसा कोई OCD नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी OCD हैंड वॉशिंग वाली रहती है तो सिफिलेरम बहुत अच्छा काम करती है। सिफिलेरम के अंदर बहुत सारा के दर्द होते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, आँख में दर्द हो सकता है, आँखों से डिस्चार्ज हो सकता है, आँखों से पानी जो स्टिकी डिस्चार्ज होता है वो उसके इस पर दिया जा सकता है। सिफिलेरम में तीन स्टिकी डिस्चार्ज है, एक आँखों से डिस्चार्ज बताया, एक लुकोरिया का डिस्चार्ज बताया, जो थर्ड डिस्चार्ज होता है वो प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होता है। मेल्स के अंदर भी अगर प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, वाइटिश फ्लूड बार बार निकलता है, वीकनेस उसके कारण आती है, तभी भी ये दवा दी जा सकती है। इसके जो पेन्स होते हैं हमेशा धीरे धीरे से बढ़ते हैं और धीरे धीरे से नीचे आते हैं, नॉट लाइक बेलाडोना। बेलाडोना के अंदर एकदम से शूटिंग पेन होता है, एकदम से नीचे आता है, और ये जैसे एक सर्कल जैसा बनाता है, एक धीरे से जाएगा पेन, धीरे धीरे पेशेंट को पेन होना शुरू होना होगा और धीरे धीरे उसका पेन खत्म होगा। जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे उसको दर्द शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा पीक पे जाएगा और धीरे धीरे करके सुबह तक उसका दर्द खत्म हो जाएगा। इस तरह का दर्द होता है सिफिलेरम का। बेलाडोना के अंदर एक घंटे के अंदर 3-4 बार पेन चढ़ेगा और उतरेगा। तो ये जो डिफ्रेंशिएटिंग फीचर होता है सिफिलेरम का, ये होता है। तो सिफिलेरम का जो मेन इंडिकेशन होता है, बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, लुकोरिया अलग डिस्चार्ज है, बहुत तेज पेन है, स्पेशली बोन्स में अगर पेन है, रात वाला पेन है, तब ये दवा दी जाती है। सिफिलेरम को हम देते हैं जब हम आर्थराइटिस का पेन होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिक का पेन होता है, उसमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। लॉन्ग बोन्स में अगर पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है और लैंसिंग जैसे लगता है कटने जैसा दर्द अगर हो रहा है, तभी भी सिफिलेरम दिया जा सकता है। अगर हम एग्रीवेशन की बात करें तो इसके सारे एग्रीवेशन होते हैं रात में, रात में सारे दर्द बढ़ते हैं, लेटने से इसको तकलीफ ज़्यादा होती है, सुबह से लेकर के शाम तक ये ठीक रहते हैं।
तो ये सारे इंडिकेशन थे सिफ्लिनम के, आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इस दवा को दे सकते हैं, क्योंकि ये नोसोड है, बहुत ही केयरफुली अपने सिम्टम्स को मैच करके ही इस दवा को सिलेक्ट करें। रैंडमली अगर आप सिफ्लिनम ले लेंगे तो आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं डोसेस की। इसकी सिर्फ 4 बूंदे हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार लेनी है 1 mg पावर की, उससे कम की सिफ्लिनम आपको नहीं लेनी है। इसके अलावा जो अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो आप दवा को आधे घंटे के गैप में ले सकते हैं अगर आप उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं तो। बाकी ये दवाइयाँ सबके लिए सूटेबल हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं इस दवा को लेने से बचें, या किसी दूसरे डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सिफ्लिनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।